काम कर रही थी फूड प्रोसेसर से, तो थोड़ा सा काम रह गया था तो लाइट चले गई, तो मैं आगे बहुत गुस्से हो जाती थी। हाँ, इसी ने अभी जाना था, इतना तो रह गया था, ये हो जाता तो अच्छा था। मतलब ऐसे ही मेरे मन में थॉट आते थे हमेशा। तो आज मैं सोच रही, चलो थोड़ा ही रह गया है, ज़्यादा काम तो हो गया है ये। फिर मैंने ना सोचा कि हस्बैंड को कहती हूँ कि वो इन्वर्टर से एक्सटेंशन लगा देंगे। तो मैं उनको देखने गई दो बार, वो नित्यनेम का पाठ करने के बाद अरदास कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने पाठ खत्म, अरदास खत्म की, और मैंने उनके आवाज़ लगा के ना पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला कि इन्वर्टर, या इतना ही बोला कि लाइट आ गई। बहुत अरे वाह, खुश हुई, मेरे काम पूरा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल इतना सही है, भी आपने अच्छा सोचा है तो आगे। अच्छा हुआ है। मैंने हमेशा ऐसे ही बोलती रहती थी कि अभी जाना था इसमें, अभी कट लगना था। तो आज पॉजिटिव बोला तो काम भी सारा सही हो गया, बिल्कुल उसी समय आ गई लाइट। वेरी नाइस, बहुत वेरी खुश नाइस। अरे हूँ। वाह, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत खुशियाँ देती है और हमें विश्वास भी दिलाती है, हमारे फेथ को स्ट्रांग करती है, हमें आगे की ओर लेकर जाती है। सो थैंक बहुत यू ही मैम अच्छा है आपका जोगिंदर जी। भी। थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। थैंक यू सो मच जी। और भी कुछ मुझे बताना चाहेंगे, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? वीडियो तो ऑन कीजिए, हार्डली 2 मिनट्स के लिए मुझे आप लोगों के चेहरे देखने मिलते हैं। नेहा जी, कहाँ जा रही हैं आज आप? घूमने वाह, वंडरफुल। गुड मॉर्निंग थोड़ा प्रिया जी, सा मैं मसूरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड जा रही मॉर्निंग हूँ। गुड प्रिया मॉर्निंग जी, मैम। गुड मॉर्निंग मधु जी। हाँ जी, सो देखिए, कल हम लोगों ने डे 11 किया था, जादुई सुबह। अपनी सुबह को कैसे खूबसूरत बनाएं और जिससे हमारा दिन खूबसूरत बन सके। और एक दिन से देखिए मायने रखता है कि एक एक दिन करके हमारा फ्यूचर बनता है, हमारी ज़िंदगी बनती है, हमारी ज़िंदगी को बनाने वाले हम खुद हैं। तो जब हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए मुझे हर दिन को खूबसूरत बनाना है, और जब हर दिन को हमें खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए हमें अपनी हर जादुई सुबह को खूब सारी खुशियों से भर लेना है। तो यही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी हर सुबह को कैसे अच्छा बनाते हैं। कि देखिए, एक तो सुबह होती है दिन की शुरुआत, और दूसरा सुबह में सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा सुबह में सपने सच होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना। तो सपनों को सच करने के लिए ही हमें सबसे खूबसूरत सुबह बनाने की ज़रूरत है। आज हमारा दिन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अलग चैप्टर हम करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं अपनी ग्रैटिट्यूड प्रेयर के साथ। लंबी गहरी सांस लीजिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में आज का बेहतरीन दिन है, आज की जादुई सुबह है। सचमुच इस जादुई सुबह के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। ये जादू भरी सुबह मेरे सपनों की ज़िंदगी की शुरुआत है, इसके लिए मैं दिल से शुक्राने करती हूँ। मेरी जादू भरी सुबह के लिए सचमुच ढेर सारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता और पिता को, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सचमुच मेरे सभी रिश्तों के लिए, परिवारजन के लिए, मित्रों के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देती हूँ मेरी स्वस्थ काया के लिए, मेरे शरीर के निर्माण के लिए, जिन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, उन 5 तत्वों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हे धरती माँ, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जल, अग्नि, सूर्य देव और वायु, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि इन सभी से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे और मेरे परिवारजन के लिए जीवन जीने की सभी व्यवस्थाएं और स्थितियां निर्मित की गई हैं, बगैर मेरे कहे, बगैर मेरे मांगे। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए आपको कई गुना धन्यवाद देती हूँ। स्वास्थ्य के उपहार के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं और इन सुख सुविधाओं का मैं आनंद ले पाती हूँ, उस धन के लिए सचमुच धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो अब तक मुझे दिया गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, हे संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियाँ, मैं और मेरे सभी साथी मिलकर धन्यवाद करना सीख रहे हैं, अपने जीवन को कृतज्ञता से धो रहे हैं। मैं इस जीवन में इन सभी के साथ कृतज्ञता को सीख पाऊँ, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सारे सपने पूरे हों, हम अपने अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हों, सुमार्ग पर अग्रसर हों, यही मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जस्ट रब योर हैंड्स। आज के इस दिन के लिए, आप सभी के इतने अच्छे दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए, अपने दोनों हाथों को सर पे रखेंगे, खुद को आशीर्वाद देंगे। आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। मैं एक दिव्य और सर्वशक्तिमान हूँ, मैं दिव्य और सर्वशक्तिमान हूँ, मैं दिव्य और सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ। अफर्मेशंस आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं। सचमुच आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन है, बेहतरीन है, आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन है। आई एम द विनर ऑफ द डे, आई एम द विनर ऑफ द डे, आई एम द विनर ऑफ द डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। सो शुरू करते हैं हम आज का दिन। और आज हम लोग हैं यहाँ पर डे 12। तो डे 12 में आप लोग देख रहे हैं कि एक सोफा लगा हुआ है, कबर्ड है जिसमें कुछ किताबें हैं, बड़े खूबसूरत से उसके ड्रॉर्स हैं, एक एल्बम रखा है, उस एल्बम में कुछ फोटोज हैं, छोटे बच्चे की हैं, कुछ बूढ़े लोगों की हैं, एक हंसते हुए चेहरा दिख रहा है एक फोटो में, और उन एल्बम के ऊपर से जादू की टिमटिमाती लाइट है। तो ये वो कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपके जीवन में जादू को लेकर आते हैं। आपके जीवन में जादू कैसे आता है और ये लोग कैसे दिखाई देते हैं, किस तरह से हमारे जीवन में फ़र्क डालते हैं, वो हमारा आज का चैप्टर है। तो ये लोग कैसे हमारे जीवन में फ़र्क डालते हैं, कौन हैं ये लोग, ये आज आपको ये चैप्टर बताएगा। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला, यानी कि वो लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डाला है, जादू से भरे हुए वो लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डाल रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे। ओके जी, हाँ जी। तो 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डाला। कई बार क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है ना, और हम सच में समझ भी नहीं पाते कि वो लोग कौन हैं। कई बार वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन कई बार वो हमारे रिश्तेदार नहीं भी होते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, राइट। तो जिन्हें हम नहीं जानते हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क डालते हैं, और वो फ़र्क डाल के चुपचाप से नहीं होते, निकल से जाते हैं,
हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब हमारे जीवन से निकल गए, कब हमारे जीवन में आए, लेकिन वो कुछ ऐसी बात कह के चले जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हमें देकर चले जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करने लगती है या हमें बहुत पसंद आने लगती है या हम बहुत अच्छा लगने लगता है। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे और वो हमारे जीवन में क्यों उनके लिए कृतज्ञता ज़रूरी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज कौन रीड करेगा? मैं पढ़ लेती हूँ जी। शुरू कीजिए, कौन कह रहे हैं? मुझे मैं पढ़ रही हूँ, वंदना जी। मैं जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जुगिंदर नहीं दे रहा। जुगिंदर जी, ठीक है जी, ठीक है, दोनों पढ़ लीजिए आप। थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी। कौन शुरू कर रहा है? मैं थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ। हाँ ठीक है जी, शुरू कीजिए जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट स्वेट्जर 1875 to 1965, नोबल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। जी, कई बार जुगिंदर जी, हम यहीं पर रुकते हैं। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, तो असल में क्या होता है, कई बार हम बड़े बुझे बुझे से हो जाते हैं। कई बार हम जिंदगी में किसी परेशानी में होते हैं, चैलेंज में होते हैं, कभी हेल्थ को लेकर के, कभी रिलेशन को लेकर के। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, हम नेगेटिव सोचने में लग जाते हैं, है ना। लेकिन अचानक से किसी का फ़ोन आता है, वो आपका कोई रिश्तेदार या मित्र हो सकता है, और वो आपको फ़ोन करके कोई अच्छी सी ऐसी बात कहता है जिससे ज़रूरी नहीं है कि आप उनको अपना चैलेंज बताएं, लेकिन बगैर चैलेंज बताए भी पता नहीं कैसे आपको ऐसा लगता है कि वो फ़ोन अभी आप ही के लिए आया था। क्या उस फ़ोन से इतनी अच्छी बात आपको मिल गई, या उस फ़ोन से वो एनर्जी मिल गई, या उस फ़ोन से आपको वो सोल्यूशन मिल गया जो आप चाहते हैं अपने लिए, खुद के लिए। और एकदम से जब वो सोल्यूशन आपके पास होता है तो आप खुश हो जाते हैं और आपको सब कुछ मिल जाता है कि हाँ, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब कुछ निकल गया। तो ये है वो जादुई लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को दोबारा दोबारा से जन्म दिया, दोबारा से आपको सुलगने को बताया, दोबारा से आपके अंदर लौ को जलाया। तो वो हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं, हमें उन्हें खूब सारा ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि उसी तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में और आते रहें। क्योंकि देखिए, अप एंड डाउन्स तो ज़िंदगी में आएंगी ही, है ना। आपने नेगेटिविटी में से बाहर निकलना सीख लिया है, आपने हर दिन को जादू ही बनाना सीख लिया है, हर दिन में जादू की तरह काम करना सीख लिया है। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको खूब सारा डूब जाना है और उसे मुहाने से आगे तक लेके जाना है, ये सब भी आपने सीख लिया। आपने मैजिकल रिलेशनशिप सीख लिया है कि ठीक है, आपको हर रिलेशनशिप के अंदर ग्रैटिट्यूड डालना है, रिलेटिव से बात करनी है, नए नए अगर किसी रिलेशन में प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक वो फोटोग्राफ को लेकर के उसके बारे में अच्छी चीज़ों को ध्यान देते हुए उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। आपने मनी को भी सीख लिया तो आप उस चैलेंज से भी बाहर निकल सकते हैं। आप हेल्थ के ऊपर भी अच्छे से काम कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई पेन हो रहा है तो आप बॉडी के दूसरे पार्ट का ग्रैटिट्यूड करेंगे, और जब दूसरे पार्ट का ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप कृतज्ञता में डूबते चले जाएंगे, तो आपको नेगेटिविटी हेल्थ को लेकर नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढ ली, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी दिन को भी सुबह को भी आपने मैजिकल बना लिया, चलिए,
लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, इस पूरे दिन के 24 घंटों में कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं ना। तो वो अप एंड डाउन्स क्या करते हैं, वो अप एंड डाउन्स हमें कई बार पॉजिटिव बनाते हैं, कई बार नेगेटिव बनाते हैं। हम फिर से अच्छा सोचते हैं, हम फिर से नेगेटिव सोचते हैं, हम फिर खुद को कोशिश करते हैं नहीं मुझे अच्छा सोचना है, हम फिर उसकी ओर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिव वाला ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, नेगेटिव पावर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो आपको अपनी ओर खींच लेती है। आप जानते हो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सारे तरीके भी पता है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें आपको नेगेटिव कर देती हैं और आप नेगेटिव सोचने लगते हो, जिसका असर ये होता है कि आप बुझे बुझे हो जाते हो, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप दूसरों को फिर से ब्लेमिंग पोजीशन में चल जाते हो। उस वक्त, ऐसे वक्त पे जब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि देखिए यह हर एक की ज़िंदगी में होता है और कुछ नहीं तो बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अभी कुछ भी हम रिलेटिव के बारे में सोचने लगते हैं, कुछ हम अपने अपनों के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे वक्त में कभी कोई इंसान हमें मिल जाए या कोई हमें फ़ोन करके ऐसा बताए या किसी का लेटर या ईमेल ऐसा खुल जाए जिससे हमारे को फिर से वही एनर्जी मिल जाए, वो होता है वो इंसान हमारी कृतज्ञता का हकदार, जो हमारे भीतर लौ को जलाता है। तो आज हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। इसमें बताया कि जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, थी, है, आगे भी होगी, कभी किसी और को होगी, कभी किसी और को होगी। तो वो लोग क्या होते हैं, देखिए जैसे अगर आज मुझसे अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं किसी और से मदद लेती, विधि से लेती, वंदना जी से बोलती। तो ये जो लोग हैं ये मेरी ज़िंदगी में कैसे एकदम से जादू की दिश, अब क्योंकि मेरे मेरे जो अभी मेरा चैलेंज है उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। जो भी आपका चैलेंज है उसको अगर जो लोग डायरेक्शन दे रहा है वही आपकी ज़िंदगी में जादू का असर डाल रहा है। तो हम उनको क्या होता है, थैंक यू बोल के अक्सर भूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें बोल देते हैं मुंह से थैंक यू, उसके बाद हम आगे को बढ़ जाते हैं। लेकिन हम क्या अपनी फीलिंग्स को उन तक डाले हैं, याद कीजिएगा। अब आपका शुरू होता है बचपन से अब तक का दौर, पास्ट में हमें जाना है ना। पहले हम पास्ट की बातें करेंगे, अभी हम पास्ट के लास्ट चैप्टर पर हैं जहाँ हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, कल से हम फ्यूचर की बातें करेंगे। तो जब हम पास्ट की बातें कर रहे हैं तो हमें पास्ट के उन लोगों को ग्रैटिट्यूड देना है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को सचमुच रोशन कर दिया था, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में हम काफ़ी आगे आ गए हैं। तो हमें उस चीज़ को याद करना है। शुरू कीजिए आप भी अपने बचपन में जाना, आगे पढ़ते हैं तब तक। कई बार आपको यह एहसास भी नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन में क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुँच जाते जहाँ से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। यहाँ पे देखिएगा कि उस व्यक्ति ने आपके जजमेंट को करवाया, तो निर्णायक कौन रहा, वो व्यक्ति रहा। जज कौन बना, वो व्यक्ति बना। उसने इस निर्णय को लिया कि आपके जीवन में ये सही तरीका है। कई बार हम डिलेमा में हो जाते हैं ना कि हम क्या चूज़ करें, हमें भगवान से मदद मांगनी पड़ती है कि हमारी ईश्वर हमें मदद कर कि मैं इस सिलेक्शन में जाऊं या इस कॉलेज में जाऊं। ये भी होता है, हम इस रास्ते पे जाएं या इस रास्ते पे मैं इस लड़की से शादी करूं या मैं उस लड़की से शादी करूं, मैं इसे अपना जीवन साथी चुनूं या मैं इसे अपना जीवन साथी चुनूं, मैं इस घर को खरीदूं या मैं उस घर को खरीदूं, मैं ये प्रोजेक्ट को लूं या मैं उस प्रोजेक्ट को लूं, मैं इस बैंक से लोन लूं या मैं उस बैंक से लोन लूं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चैलेंज के लिए आती ही रहती हैं। तो ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जब वो लोग हमारी ज़िंदगी में इस तरह से असर डाले कि हम सभी जादू से हमारी ज़िंदगी की दिशा को बदल दें। तो ये उस जादू की बात कर रहे हैं, उस जादू की जिससे हमारे जीवन में भविष्य का निर्माण हो रहा है, जिस चीज़ से हमारे जीवन में भविष्य का निर्माण हो रहा है। और जब तक कि आप एक सुनहरे भविष्य में ना पहुंच जाए तब तक आपको उसका एहसास भी नहीं होगा, है ना। शादी करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ यही मेरे लिए बेहतरीन था, घर खरीदने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ यही वो मेरा सपनों का घर था और ये बिल्कुल सही लोकेलिटी पर है, मैंने सही किया कि मैंने ये लिया। और कई बार लोन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हर चैलेंज में हमें यही, तो वो जो व्यक्ति था जिसने आपको जज करने में मदद की, जिसने आपको सही राह दिखाई, ये वही उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जी,
जोगिंदर जी पढ़िए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं पढ़ूं? हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चल के आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। मेरी दादी जी ने मुझे यहीं पर रुकते हैं एक मिनट के लिए। जोगिंदर जी यहीं पर रुकते हैं। यहाँ पे किन किन लोग हमारी जिंदगी में हो सकते हैं, कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो हमारी जिंदगी में असर डालते हैं, उन सब के बारे में बात की जा रही है। अब वो व्यक्ति कोई नर्स भी हो सकता है, परिवार का सदस्य होता है, कोई आपका अच्छा मित्र हो सकता है, आपका वर्तमान जीवन साथी हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपको ये बताया कि अच्छा तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, जिसने बताया कि अच्छा तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, या ये बताया कि तुम तो बहुत अच्छा एंकरिंग करती हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। आपको शायद पहले से इतना नहीं पता था, या आपको पता भी था तो आप उस क्वालिटी को यूज़ नहीं करते थे, राइट? आप उसके बारे में ध्यान नहीं देते थे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये जो उन्होंने बताया और आपने उस डांस को एज अ हॉबी के बाद एज अ प्रोफेशन शुरू किया और यह आपको बहुत आगे तक लेके गया, या किसी ने आपको बताया कि आप बहुत अच्छी आवाज़ करते हो, आवाज़ में गाना गाते हो, अब उन्होंने आपको बताया आपने गाने गाना शुरू कर दिया, किसी ने आपको बताया कि आप बहुत ही अच्छे से खाना पकाते हो और आपने ऑनलाइन सर्विंग शुरू कर दी, किसी भी तरह से एक ऐसी चीज़ जिसने आपके जुनून को ज़िंदा कर दिया फिर से, जिस जो आपको पता भी नहीं था कि क्या आपके अंदर है, या आपके अंदर है तो किस हद तक आपके अंदर है। आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, लेकिन उस पेंटिंग को अब क्या किया जाए, बना बना के घर में रखते हो, 2, 4, 5, 6 पेंटिंग आपने रख दी, 5-6 अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट कर दी, अब उसका क्या? अब उस इंसान ने अचानक से आपका एक पोर्टल बना दिया ऑनलाइन, अब आप उस ब्लॉग के अंदर जा रहे हो, पोर्टल में जा रहे हो और सर्च अपनी पेंटिंग्स को डाल रहे हो, लोग सर्च करके आपकी पेंटिंग्स को खरीदने लगे हैं, अब आपके लिए पैशन बढ़ गया, अब आपको बहुत खुशी मिली। ये वो व्यक्ति है जिसने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत कम टाइम के लिए आया और चला गया, बट उसने आपकी ज़िंदगी में एक दयालुता भरा काम कर दिया, अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड काम, ऐसा अनएक्सपेक्टेड काम किया जिससे आपका दिल खुश हो गया। हमने कहते ना दिल बाग बाग हो गया, मेरा दिल तो आज गार्डन गार्डन हो रहा है ना, कई बार हम मजाक में बोलते ना, क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारे सामने होने लगती है। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके चाचा चाची हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम टाइम के लिए आपके जीवन में आया लेकिन उसने उस काम को जन्म दे दिया जो आप बरसों से करना चाह रहे थे, या आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो काम इस मुहाने तक भी पहुँच सकता है, और उस व्यक्ति ने आपके उस काम को पहुँचा दिया। यहाँ पर रोंडा बायन अपनी बात बता रही है, अपनी स्टोरी बता रही है, इस स्टोरी के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, मैं आपको अनम्यूट कर। मेरी दादी ने मुझसे पुस्तकों, पाककला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाककला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी जी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त भी मैं सोचती थी कि वह मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना
दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। थैंक यू सो मच जोगिंदर जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। और यहाँ पर रोंडा बायन क्या बता रही हैं वो आप लोगों ने देखा, वो अपनी दादी के बारे में बता रही हैं, जो भी उन्होंने उनकी दादी से सीखा था। अब उनकी दादी ने उनकी कितनी मदद की आप देखिए, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट ये है कि आप सब लोग उनकी बुक को पढ़ पा रहे हैं। वेरी गुड राइटर जिन्होंने इस किताब को इतने खूबसूरत तरीके से लिखा, और उनकी ये बुक, उनकी पहले की बुक और उनकी आज और भी जो दूसरी बुक्स हैं वो कितनी कितनी बेस्ट सेलर्स में हैं ये आप सब लोग जानते हैं। तो एक एक छोटा सा उनका जो देहात के प्रति प्रेम था, जो उनकी दादी ने उनके अंदर उस पुस्तकों के प्रति लगाव को भरा, और वो इस लगाव इस तरह से बढ़ गया कि वो अल्टीमेटली वो राइटर बन गई। तो ये कितनी बड़ी बात है, दादी का प्यार भरा जो एक सीख थी, प्यार भरी सीख कैसे उनकी ज़िंदगी को बदल गई। और सबसे बड़ा उनकी दादी ने उन्होंने शुक्रगुजार करना सिखाया, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इतना किस हद तक करना है कैसे करना है, लेकिन ये अल्टीमेटली उनकी दादी का एक गिफ्ट था जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिया कि हाँ मुझे थैंक यू कहना चाहिए और मुझे शुक्रगुजार बनना चाहिए, मुझे विनम्र बनना चाहिए दूसरों के लिए। अब वो विनम्र बनते बनते उन्होंने उस चीज़ को कैसे टर्न कर दिया कि आज वो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फलसफी में बन गई है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बुक बन गई है। तो सचमुच रोंजा बायन अपने दिल से अपना शुक्राना कर रही है अपनी दादी के लिए, जो क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर डाला, और वो असर उनकी ज़िंदगी के साथ साथ हम सबकी ज़िंदगी पे भी आ रहा है। तो वो अपनी दादी को कैसे कह रही हैं, धन्यवाद दादी। अब आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में वैसे ऐसे लोगों को ढूंढना है, ढूंढना है उन लोगों को, बचपन में ढूंढ सकते हैं क्योंकि आपको आज के अफेक्ट को देखना है। देखिए आपको देखना अपने प्रेजेंट को है, प्रेजेंटली आप कहाँ हैं, क्योंकि हम पास्ट के लोगों का शुक्राना करने की बात कर रहे हैं। अगर हमें आज के लोगों का शुक्राना करने की बात करनी होगी, जो हम कल से करेंगे, वो हम असाइनमेंट करेंगे कल से, तो उनके लिए आप आज के लोगों को ले सकते हैं, आप अभी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले पास्ट के लोगों को लें। पास्ट के लोगों को लें यानी कि अपने बचपन में जाएँ, अपने करियर में जाएँ, अपने एजुकेशन में जाएँ, या शादी के उस दौर पे जाएं जब आप बिल्कुल नए नए आए थे, जब आपको खाना बनाना नहीं आता था, तब भी आपकी किसी जिठानी देवरानी या ननद ने या सास ने कोई ऐसी मदद की थी कि आप लोगों आपको लगे कि हाँ उससे मेरी ज़िंदगी, क्या आपको ये बताया गया था? क्योंकि देखिए कहीं किसी किताब में ये नहीं बताया जाता कि शादी के बाद क्या करना है। शादी तो आपने कर दी, पापा मम्मी के घर से इस नए घर में आ गए, अपने परिवार वालों को अपनाना भी चालू कर दिया, खाना बनाना भी चलो आपको आता है, कई लोगों को आता है, वो खाना भी बना लेते हैं। उसके बाद भी ज़िंदगी में हर औरत जानती है कि, या हर जेंट्स को भी ज़रूरत होती है, हर जेंट्स में भी इस चीज़ को ज़रूरत होती है कि वो शादी के बाद अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, अपनी गृहस्थी की ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए कई सारी चीज़ें उसे नई सीखनी होती हैं। नया नया एक्सपीरियंस एक हस्बैंड के लिए भी होता है, एक वाइफ के लिए भी होता है, एक जेंट्स के लिए भी होता है, एक लेडी के लिए भी होता है, अलग अलग एस्पेक्ट में, ज़िंदगी के हर पहलू में। हमारी शादी के बाद नई नई चीज़ें होती हैं जो हमें ज़िंदगी में नए तरीके से आगे बढ़ना सिखाती है। तो वो आपको कौन सिखाता है, वहाँ कोई किताब नहीं होती, इवन कोई घर के पेरेंट्स से भी हम ये चीज़ें सीख के नहीं आते। कई चीज़ें होती हैं वो हमें प्रैक्टिकली यहाँ देखते हैं, अच्छा ऐसा होगा तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं था, हमें बताया भी नहीं गया, हमें मालूम नहीं होता तब क्या करना है। लेकिन कोई दोस्त, कोई साथी, परिवार का कोई देवरानी जिठानी सास बहू ननद कोई भी, या कोई देवर, या कोई भी आपका भाई, कोई भी आपको इसके बारे में मदद कर सकता है। जेंट्स को भी कई बार मदद की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को, और फिर हमें समझ में आ जाता है अच्छा इस तरह से करना है, और हम आगे उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से व्यापक रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रोंडा बायन ने उसे बहुत व्यापक एक धन्यवाद शब्द जो उन्हें विनम्र होना सिखाया, उसको उन्होंने व्यापक रूप में लिया। तो इस तरह से हम भी क्या करते हैं, उस सीख को हमें एक आध बारी सिखाया जाता है, कोई व्यक्ति हमें एक आध बारी बताता है, लेकिन हम उसे व्यापक रूप में ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने लगते हैं। तो आज आप लोगों को उन लोगों के अंदर जाना है, उन लोगों को ढूंढना है, वो आपकी कोई भाभी हो सकती है, आपकी दीदी हो सकती है, जेंट्स है तो आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदला है। क्यों बदला है, देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत नेगेटिव ऑरा में चले जाते हैं,
मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मैं तो हरगिज़ ये नहीं कर पाती, कभी ऐसा हो जाता तो कब, तब क्या होता, तब ऐसा होता, तब कभी ऐसा, कभी मैं इस जगह से जाऊं और कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो, हम ऐसा भी सोच लेते हैं। देखिए, या वो जा रहे हैं, कोई भी आपका हस्बैंड है, आपका दोस्त है, वो जा रहा है और उस कार में गया, वो तो कार ऑलरेडी ख़राब है, कहीं उसकी कार ख़राब हो गई, अब उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ये इस तरह के नेगेटिव चीज़ें ना हमारे दिल में आए बिना नहीं रहती, जिन्हें हमें रोकनी है। हम हर बार उस नेगेटिव को अलार्म करके रोकते हैं उसे। अब हम सीख चुके हैं तो हमें पता है कि हमें ये सोचना भी नहीं है, मैं इस जगह जाऊंगी, कहीं मैं बाहर निकली और कुछ हो गया तो, कहीं मैं ये इतना सारा रुपया लेकर जा रहा हूँ और कोई मुझे इस रुपये का बैग छीन लेगा तो, इस तरह की कई सारी छोटी छोटी बातें भी कि ये हमारा, मेरा ये जो लोन है ये पास नहीं हुआ तो, मेरा ये प्रोजेक्ट उस वाली कंपनी को मिल गया या उस कलीग को मिल गया तो, ये फाइल में जो मेरा नाम लिखा है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझे प्रमोशन मिले ही ना, है ना, ये प्रोजेक्ट मुझे ना मिले, ये प्रमोशन मुझे ना मिले, ये सैलरी जो मेरी है इस बार इतनी कट ना जाए, मेरा PF ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं जब हम नेगेटिव सोचते हैं। उस नेगेटिव के वक्त एक तो पहली बात तो हमें उस तरह का सोचना नहीं है, खुद को अपने आप को ऐसे पॉजिटिव की साइड ले जाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने माइंड को बिजी रख सकते हैं, आप कई 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 सारे शुक्राने कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, कभी कभी हमें इस चीज़ों के लिए दूसरों की मदद लेनी होती है। और जैसे ही हम इस चीज़ में दूसरों की मदद लेते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमारे जीवन में फ़र्क डालते हैं। उस फर्क वाले लोगों को आपको चुनना है। अगर आप ऐसा, पहले तो आप अभी से ऐसा सोचना शुरू कीजिए, आगे असाइनमेंट क्या बता रहा है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है। जी वंदना जी, आप पढ़ दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सारिका जी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन तीन असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन पर जीवन में फर्क डाला। जब आप तीन लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह आगे पढ़ो। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप तीनों लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जी, तो आज आपको आपका असाइनमेंट बता दिया गया है। हमने बात कर ली है कि हमने आज उन लोगों को चुनना है जिन्होंने हमारी जिंदगी में जादू का असर डाला है, फर्क डाला है। वो लोग जिनको हमने थैंक्स तो कह दिया होगा, लेकिन वो दिल वाला ग्रैटिट्यूड जो उनके लिए करना चाहिए वो हमारा बाकी रह गया। उन्होंने हमें ये सब सिखाया और हम कुछ बोल ही ना पाए उन्हें। तो उन लोगों के बारे में आपको सोचना है। अब आपको क्या करना है, उन तीन लोगों को पहले तो एक शांत जगह खोजें। तीन असाधारण, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, असाधारण लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डाला। ठीक है, आपने उन तीन लोगों को चुन लिया। अब क्या करना है, आपको ये सोचना है कि वो तीन में से पहला व्यक्ति, जैसे पहला व्यक्ति मान लीजिए मेरे लिए, जैसे मैं और वंदना जी हैं तो हम आपस में बैठे, तो मैं वंदना जी से बात कर रही हूँ, तो वो आपने, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क डाला उसके बारे में मुझे ये सोचना है कि वो मेरे सामने बैठी हैं और मैं उनसे जोर जोर से बात कर रही हूँ या मैं उनसे फ़ोन पर बात कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा अजीब लगता है सामने बैठा हुआ, आप नहीं कर पाते उस तरह का एक्ट, आपको ड्रामेशियन बनना है, ड्रामा करना है अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ फ़ोन पे लगा लीजिए। इस फ़ोन को, अपने नॉर्मल फ़ोन को उठा लीजिए, आप ये समझिए कि आप उनसे फ़ोन पर बातें कर रही हैं। तो फ़ोन पे बात करके अपने दिल की बात उनसे कहिए। देखिए, किसी को फ़ोन करके नहीं कहना है, आप ध्यान दीजिएगा ना, ऐसा नहीं कि आप उनको फ़ोन लगा लें, बुक ने कहा था, फ़ोन नहीं लगाना है आपको, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। आपको रोंडा बायन के एग्जांपल से समझ में भी आ गया कि वो व्यक्ति इस दुनिया में है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तब भी उससे बात कर सकते हैं। वो व्यक्ति अब आपकी ज़िंदगी में है या नहीं, बचपन में थे वो टीचर,
आज आप उनसे मिले नहीं, बरसों हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जादू की किरणें जो है ना वो हर जगह पहुंच सकती है, क्योंकि वो मैजिक की लाइट है। जब वो मैजिक की लाइट हर जगह पहुंच सकती है तो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो इस ब्रह्मांड में जहां पर भी है वहां आपका मैजिक, आपका जादू, आपका धन्यवाद उस तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आपको उससे या तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, सामने खाली कुर्सी रख ली, उस खाली कुर्सी पर वो दूसरा व्यक्ति बैठा है, दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आपने उन्हें बताया कि वाह सचमुच आप जब मेरी ज़िंदगी में आए थे तब मैं कितनी परेशान थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था, और एकदम से आपने आके मुझे बताया कि हाँ तुम तो ऐसा कर सकती हो, तुम घर से बिज़नेस चालू कर सकती हो, और मैंने सच में वो बिज़नेस चालू कर दिया और आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे पैसा भी मिल रहा है, मुझे नाम भी मिल रहा है, और वो दोनों चीज़ें आप ही की बदौलत मुझे मिल रही है, मैं तुम्हें कभी दिल से बता नहीं पाई थी, पर सच में तुमने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू, सच में मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी उनका नाम है आप उनका नाम लिखे इसे बोल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं चाय के दो कप रख सकते हैं, एक कप आपके लिए, एक कप उनके लिए, भले ही उसमें चाय है या नहीं ये आपकी इच्छा, आप चाहें तो दो कप चाय पी लीजिए खुद से, या अपने कप में भर लीजिए, सामने वाला कप खाली रख दीजिए। अब आप ऐसे समझ रहे हैं आप और वो चाय पर मिल रहे हैं, चाय पर बैठे बैठे बात कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, अकेले गए हैं, आप वहीं भी अपना असाइनमेंट कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में हैं तो लंच ब्रेक के वक्त अपना ये असाइनमेंट कर सकते हैं कि जब आप लंच कर रहे हैं आपके सामने आपका भी कोई साथी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके साथ लंच कर रहा है, और आप उसी वक्त अपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए ऐसा अज्यूम करें कि सामने आपकी चेयर पर वो व्यक्ति बैठा है। कहीं पे भी आप इवन वॉक पे जा रहे हैं तो गार्डन में किसी बेंच पे बैठ के या वॉक करते करते उस व्यक्ति को, उस साथी को भी अपने साथ वॉक पे लेके जाइए। ये आपका ड्रामा है, आपकी क्रिएटिविटी है, आप चाहें जैसे कर सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप कमरे में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक शांत जगह पे करेंगे, कमरे में नहीं किसी भी शांत जगह पर करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके फीलिंग्स ज़्यादा आएंगे। दूसरी बात ये कि तीनों लोगों को एक साथ लेना है ना, 5 से 7 मिनट मुझे लगता है एक व्यक्ति से बात करने में आपको लगने चाहिए, तो ये 7-8 मिनट जो है ना ऐसा करके करीबन 25 मिनट्स के करीब आपको इस पूरी प्रैक्टिस में लगने चाहिए, 25 से 30 मिनट, आपको और ज़्यादा लग सकता है आपकी इच्छा, आप जितना जितनी गहराई में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो आपको उस समय तीनों लोगों को लेना है, तीनों को एक ही सत्र में लेना है, 5 मिनट 10 मिनट आपने एक से बात की अलग हुआ, दूसरे व्यक्ति को लिया उनसे बात की अलग, फिर तीसरे व्यक्ति से बात की, तीनों एस्पेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पहलू पे आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए इस असाइनमेंट को बहुत डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको लिखना नहीं है अभी, है ना, इसमें लिखना नहीं है, आपको एक्ट करना है, आपको ड्रामा करना है। क्यों ड्रामा करना है? क्योंकि ये अब आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिखा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि फालतू का ड्रामा क्यों करवाया जा रहा है मुझसे, नहीं, ये आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की साइड लेके जा रहे हैं। अब आपको विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन की ओर जाना है। अब तक आप अफर्मेशन सीखते आए हैं, आपने सीख लिया पास्ट को कैसे प्रेजेंट में बदलना है, पास्ट को कैसे ग्रेटिट्यूड के खड्डों को भर के आगे बढ़ना है, ब्लेम नहीं करना है, शिकायतें नहीं करनी है, अपनी ज़िंदगी में रोशन रोशन रहना है, खूब सारी एनर्जी के साथ रहना है, हर वक्त एक्साइटेड रहना है, ये सब आपने सीखा है। अब आपको क्या सीखना है? अब आपको जो आप चाहते हो वो पाना सीखना है। जो आप चाहते हो उसको आपको विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट कर देना है आपकी लाइफ में, तो ये चीज़ आपकी यहाँ से धीरे धीरे शुरू होने लगी और धीरे धीरे हम और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की ओर जाएंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ एक उदाहरण के बाद समझाया गया है कि आपको कैसे एक्ट करना है। अगर आपको मेरी बात से अगर थोड़ा भी कम समझ में आया तो ये उदाहरण आपको बिल्कुल आसानी से समझा देगा। जी वंदना जी, आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं।
और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। इस यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे बताइए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, आप कृतज्ञ क्यों हैं। तो देखिए, आपको 101% पता होगा कि किसी इंसान ने अगर आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डाला है तो फ़र्क क्या डाला है, क्या हुआ उनके आने के, ठीक है, उन्होंने बताया, उन्होंने आपको सोल्यूशन बता दिया, लेकिन उससे फ़र्क क्या हुआ, वो फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके शुक्रगुजार क्यों हैं, ये अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सारा को बताया ना, सारा आज उसकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन उसने बताया कि सारा ने ही उसे बताया था और उसने उसको लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आज वो शेफ के रूप में फ्रेंड्स काम कर रहा है, फ्रेंड्स में काम कर रहा है। तो पूरी तरह से एक तो अपने शौक को जी रहा है, उस ऊपर से वो खुश है, उसके पास दौलत है, उसके पास अपना करियर है, तो वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में इस पैराग्राफ में बता रहा है। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि सारा ने उसे बताया था कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो वो धन्यवाद सारा कह रहा है। तो यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हो। इसमें अति संभव नहीं है, ये यहाँ पर खास लाइन कही गई है कि कोई भी ग्रैटिट्यूड के अंदर अति संभव नहीं है। आप जितना चाहें उतना अधिक कहें। देखिए, आपको सामने वाला देख नहीं रहा, आपको कोई और सुन नहीं रहा, आपका जो वॉइस है, आप जो कहना चाहते हैं, आप दिल से जो भी, पर पॉजिटिव बातें कहिएगा, जो भी पॉजिटिव बातें उसको कहना चाहते हैं, जितना भी शुक्राना आप उसको करना चाहते हैं, जितनी भी फीलिंग्स आप रखना, कोई आपको नहीं सुन रहा है, कोई आपको नहीं देख रहा है, जितना चाहिए उतना कह सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, ये यहाँ बुक में लिखा है और कहा है कि आप कृतज्ञता के इस अभ्यास के बाद क्या देखेंगे, अपने जीवन में जादू के विस्फोट को देखेंगे। तो अभी तक भी अगर जिन लोगों ने अपने असाइनमेंट ठीक से नहीं किए हैं, वो इस असाइनमेंट को कर लें, बहुत अच्छे से करें। इस असाइनमेंट के बाद में भी आपकी विजुअलाइजेशन की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपने पास्ट के शुक्राने भर के आ जाओगे, और ये एक्चुअली वो इतना पावरफुल असाइनमेंट है कि जो आप बहुत ईजीली कर सकते हो, है ना, कितना ईजी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको किसी के पास नहीं जाना, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। और अगर आप उन 3 लोगों को सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे ज़्यादा अनग्रेटफुल हो, है ना। आपको अगर 3 लोग भी नहीं मिल रहे हैं, आप ये सोचोगे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई है ही नहीं, मैं तो ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई था ही नहीं, मैं कैसे करूँ, ये असाइनमेंट तो मेरे से नहीं होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर आप ना शुक्रे हो, अनग्रेटफुल हो। बिकॉज हम सब की लाइफ, देखिए, ज़िंदगी एक दूसरों की मदद से चलती है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक इंसान अकेला पूरा जीवन निकाल लेगा, नहीं होता, उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसे अपने साथियों को खोजना पड़ता है, उसे अधिक सहारे, अधिक मदद, हमने पढ़ा था ना शुरू में, हमें अधिक सहारे और अधिक मदद की आवश्यकता होती ही रहती है। वो चाहे एक मेड भी हो सकती है, वो चाहे कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बिल्कुल आसान सा, कोई बच्चा भी हो सकता है जिसने ऐसी बात कही जिससे आपको एकदम से क्लिक कर गया, यस यस ऐसे ही तो चाहती थी मैं, यही तो चाहिए था मुझे, यही सोल्यूशन है, यही मुझे करना है, और आपने किया और आपको फ़र्क दिखा। तो देखिए, आपको जब आपने किया और फ़र्क दिखाना, वो वाले लोगों को आपको चुनना है। अगर आप नहीं चुन पाते हो तो ये आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड में नहीं आए हो, आप ग्रैटिट्यूड बडीज अभी तक नहीं बने हो, आप अपनी ज़िंदगी में अभी भी ब्लेमिंग और शुक्रानों में, शिकायतों में जी रहे हो। तो अब से भी आप, क्योंकि आज हम 12th day पे हैं, आपको मैंने बता दिया था कि शुरू के 12 चैप्टर बहुत अलग होंगे, उसके बाद के 10 चैप्टर अलग होंगे, और उसके बाद के 6 चैप्टर आपको ज़िंदगी की अलग ही यात्रा पे लेके जाएंगे। तो आज 12वां दिन आ चुका है, ये 12 चैप्टर्स का लास्ट चैप्टर है। ये मन स्थिति आपको आज से बदलनी है, लाइफ स्टाइल को बदलना है। अगर अभी तक आप नहीं बदल पाए हैं, आप नहीं चुन पा रहे हैं, तो फिर से अपने माइंड को एनालिटिकल कीजिए, ढूंढिए, अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त के ऐसे कौन लोग थे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में असर करके चले गए, उन लोगों को ढूंढिए, तभी आपका ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। और जैसे ही असाइनमेंट होगा, बुक खुद कह रही है कि आपका दिन, आपका जादू विस्फोट की तरह आपके अंदर बदल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, यदि आप आगे बढ़, यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो
तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे और जैसे यही पर्याप्त ना हो। आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। बेहतरीन, इतना सही यहाँ पर बताया गया है कि अब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो होगा क्या। अब आप सब लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि चलो हमने अकेले में प्रैक्टिस कर ली। पहला तो ये कि जो नहीं बोल सकते हैं, जिनको एक्टिंग करने में भी दिक्कत आती है, कई बार होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो नहीं बता पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुँह से ऐसे बोल के जैसे मैंने एक्टिंग करना बताया तो वो बोलेंगे कि अरे बाप रे ऐसा एक्ट करना तो मुश्किल है, ऐसा तो मुझसे नहीं हो सकता। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर रौंडा बायन बता रही हैं कि दे कैन राइट, आप लिख के अपने असाइनमेंट को पूरा कर सकते हो। आप एक लेटर की तरह लिखें, जैसे आप मुझे लिख रहे हैं तो मान लीजिए आप मुझे लिख रहे हैं, लिख लीजिए प्रिय सारिका, और आप आगे जो भी लिखना चाहते हैं वो एक लेटर की तरह भी लिख सकते हो। जैसे आपको वो लेटर कहीं भेजना नहीं है, आपको बाद में उसे आपको उस कागज़ को बाद में फाड़ देना है, हटा देना है, उसका कोई रोल नहीं है, आपको उसको रखना भी नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आप उसे रखे भी नहीं, आप उसे जला सकते हैं, आप उसे फाड़ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। पर आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो तीन लोगों को अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ चुना है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं कि कोई पढ़े तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो आप अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख दीजिए तीन लोगों के नाम, प्रिय सारा, प्रिय जॉन, प्रिय जो भी आप जिसके बारे में लिख सकते हैं, डियर गीत, डियर वनी, जो भी आप लिखना चाह सकते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसका होगा क्या, इसका प्रमाण क्या होगा, कितना लिखना है, कब तक लिखना है, क्यों लिखना है, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जब आप एक पूरा कर लेते हैं इस असाइनमेंट को तो आपको एहसास में फ़र्क महसूस होगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आप अपने अंदर से खुशी को महसूस करेंगे। एक बरसों से, कई सालों से, कई महीनों से, मेरे तो सालों पुराने वो बोझ हल्के हो गए थे यहाँ से, तो आपका कब का होता है मुझे नहीं पता, तो कई सालों पहले का जो एक बोझ आपके अंदर था वो अंदर से खाली हो जाएगा। आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आप ग्लैड गेम वाली फीलिंग को लेके आएंगे। जो पॉलियाना का ग्लैड है ना, वो ग्लैड क्या होता है, वो ग्लैड आपको फील होगा और एक्चुअली क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में से वो एक भार वाला पोर्शन खाली हो गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में से वो भार वाला पोर्शन खाली हुआ, इसका मतलब आपके दिल में जगह हो गई। जगह किसके लिए, और इस तरह के लोगों को आकर्षित करने वाले लोगों की जगह। तो अब आपने क्या किया, और इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना चालू किया, तो उनके लिए जगह बनी है। अरे पहले से अगर एक कमरे में 25 लोग हैं, उस कमरे की कैपेसिटी 22 लोगों की, 23 लोगों की है, 25 है, तो अब उसमें और लोग तो आ ही नहीं सकते ना, असंभव है और लोगों का आना। वही चीज़ हमारे दिल की भी है, हमने उसे कई बार ऐसे लोगों से भर रखा है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बचपन में कोई बदतमीजी की थी, कोई बुरा व्यवहार किया, वो आपको आज तक याद है, याद है आपको उसने किस जगह टच किया था, कभी बस में, ट्रेन में, या कभी स्कूल में, या कभी किसी ने भी, वो फॉल्ट आपको आज तक याद होगा। लाइफ टाइम हम उस फॉल्ट को नहीं भूलते, लेकिन हम उस कृतज्ञता वाले व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसने हमारे साथ अच्छा किया। यानी हमने क्या किया, गंदगी को अपने अंदर जगह दी, जो अच्छाई थी उसको हमने बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया, हल्के में लिया। तो आज से हमें उस चेंज को, उस परसेप्शन को चेंज करना है, हमें उस गंदगी भरी वाली चीज़ को हटा देना है अपनी लाइफ से, हमें उन पॉजिटिव लोगों के लिए और जगह बनानी है। जब हम और जगह बनाएंगे, उस कृतज्ञता से भरेंगे, अच्छी चीज़ों को याद करेंगे, तभी तो हमारी ज़िंदगी में और अच्छी चीज़ें होंगी। अट्रैक्ट लाइक, अट्रैक्ट लाइक्स होता है ना, तो ये चीज़ हमें, इसलिए हमें वो चीज़ और खुशी देती है, हम और खुश हो जाते हैं। और जीवन का, यही जीवन का जो जादू है, यही कृतज्ञता की जादू शक्ति है, जो आपके जीवन में लाइक अट्रैक्ट लाइक के फॉर्म पर काम करती है। आगे इसके अभ्यास के असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 12,
जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, एक अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दो, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, थैंक यू सो मच वंदना जी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला है ना, किस तरह के लोग हैं जिन्होंने फर्क डाला है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको किताब ने बता दिया है। वीडियोज ऑन कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। असाइनमेंट पूरा करना है आज आप लोगों को, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब बात यह है कि आपको किन 3 लोगों को चुनना है। सबसे बड़ी बात, आपकी सास भी हो सकती है। आप जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी सास हैं, मेरी बड़ी सास है। मुझे अभी करते करते मुझे याद आया कि हाँ, उन लोगों ने मुझे जो जो चीज़ें सिखाई थी ना, उसके लिए मैंने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया। मेरी दीदी हैं, मेरी कई सारी भाभी हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उस वक्त में जब मैं बहुत मुसीबत में थी। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, किस तरह से मुझे अपने इस चैलेंज से लड़ना है। क्योंकि देखिए, जब हम चैलेंज में होते हैं, जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, तो हमें नहीं पता होता है कि इस चैलेंज को कैसे फेस करना है, क्योंकि हमने आज से पहले वो नहीं देखा, इसीलिए वो हमारे लिए चैलेंज है। और कई बार बहुत बहुत मुश्किल ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी और ने करीब करीब वैसा ही देखा हो, किसी भाभी ने करीब करीब वैसा ही देखा, तो वो चीज़ें उस, मान लीजिए आप माँ बनने की बात ही है, तो वो आप पहली बार बने हैं, आपका बच्चा आपकी ज़िंदगी में पहली बार आया, लेकिन वो जो सीख है ना, वो आपकी भाभी ने, क्योंकि वो पहले से बन चुकी है, तो वो कुछ सीख ऐसी थी जो उन्होंने आपको दी, कुछ परिवार में रहने के गट्स, क्योंकि आपने आपने नहीं पता आप शादी होके आए और अब आपको कैसे रहना है, लेकिन आपने उसको देखा था। हो सकता है उसने कुछ कहा भी ना हो, लेकिन आपने उसको देखा कि ऐसा करने से ये बदल जाएगा, क्योंकि वो आपसे पहले उस घर में आई थी। तो डेफिनेटली वो आपकी भाभी भी हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत पेशेंसली अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फील किया, सॉल्व किया और आगे बढ़ा, तो आप उसको चुन सकते हैं। आपके बचपन का कोई दोस्त हो सकता है जिसने आपकी बहुत अच्छे से मदद की हो, आपके कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई साथी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है जिसने उस वक्त ये बताया हो कि हाँ, ये करने से ऐसा हो जाएगा और तू ऐसा कर, और वो मदद आपको आज तक याद हो। तो कोई भी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, आपके कोचिंग सेंटर के लोग हो सकते हैं, आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं। जब आप ट्यूशन जाते थे तो बहुत डिफ़िकल्टी आई आपको बॉयज़ के साथ पढ़ने में, या गर्ल्स बॉयज़ को गर्ल्स के साथ पढ़ने में, उस ट्यूशन टीचर ने उस चीज़ को पहचान लिया और आपको उस चीज़ से अलग किया, आपको अलग रास्ता दिखाया, आपको बताया आपको क्या करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग हो सकती है। इस तरह से आप किसी भी लोगों को ढूंढ सकते हैं। आप अपने दादा के लिए लिख सकते हैं, आप अपने उस टीचर के लिए लिख सकते हैं। जैसे मुझे याद आया कि एक टीचर थे जिन्होंने मुझे पोएम बोलना सिखाया था, मैंने उनके लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, मैंने उन्हें कभी याद भी नहीं किया। मैं फर्स्ट से लेकर 12th तक पोएम बोलती थी अपने अपने गांव में, अपने शहर में, हमेशा वो पोएम रेसिटेशन का कंपटीशन मैं ही जीतती थी, लेकिन वो पोएम जो लिख कर देते थे उस टीचर के लिए, तो मैंने कभी इतना ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। मैं भूल गई उन्हें कॉलेज में जाने के बाद, मुझे याद भी नहीं, जबकि वो पोएम आज तक भी मेरे काम आती है। तो वो जो कला है जो उन्होंने मुझे सिखाई, वो भी तो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में सच में, क्योंकि उन्होंने तो मुझे सिर्फ पोएम पढ़ना सिखाया था, पोएम लिख कर दी थी, पोएम बोलना सिखाया, लेकिन वो पोएम बोलने का जो तरीका है, वो एक्सप्रेस करने की जो आदत वहाँ से शुरू हुई, जो पहली क्लास में या उससे पहले उन्होंने मुझ में डाली, वो आज मेरे कितनी काम आ रही है। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं डर है अगर यहाँ पर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऑनलाइन हूँ या मैं ऑफलाइन हूँ, या मैं स्टेज पर हूँ, मैं किस मीटिंग में हूँ,
तो वो एक्सप्रेस करने का जो गुण मुझे आया वो शुरू कहाँ से हुआ, आज वो कितना व्यापक हो चुका है। वो ठीक है कई लोगों ने उसके बाद उसमें मदद की होगी, कई सारी मीटिंग्स की प्रैक्टिस से मैं सीखी होंगी, कई बार स्टेज पर जाने के बाद मैंने वो रोल सीखा, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं एक बीज जो है, शुरुआत जो है वो उन्होंने की थी। तो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिन्होंने मुझे, जिनको मुझे खूब सारा ग्रैटिट्यूड देना था और मैंने दिया ही नहीं। तो वो मेरे वो बंशीलाल सर हुए जिन्हें मैं आज दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज ये फीलिंग मेरे अंदर आई, आज ये चीज़ करना मुझे आया और आज मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को भी चुनना है, आप लोगों को भी ऐसे सेलेक्ट लोगों को, कई जब आप छोटे होंगे तब किसी ने आपको समझाया होगा ना, तू शांति रख, तू ऐसे मत कर, तू मत झगड़ा कर, तू बड़ी है, तू बड़ा है, तू समझ जा, तू बड़ा भाई है, अब तू समझ, तू बड़ा भाई है, वो आपको समझाया गया, बताया गया। आज आप उस बड़े भाई वाले फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो किसी ने आपको सिखाया था ना कि आप बड़े भाई हो, आपको आपको चुप रह जाना है। तो वो कला आपके किस काम आ रही है, आप दो भाई मिलकर के या एक भाई और एक बहन मिलके उस परिवार को अच्छे से चला पा रहे हो, उस रिश्ते को कायम रख पा रहे हो, एक खुशनुमा रिश्ते में हो। तो ये चीज़ आपको किसी ने सिखाई, किसी ने कहा तब आपको आई, ऐसे थोड़ी ना आपको पता था कि आप जन्म जाति एकदम धीरज वाले पेशेंस वाले पैदा हुए थे, नहीं ऐसा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में हम ही एक दूसरे की ज़िंदगी के ऊपर फ़र्क डालते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको मैजिक बुक के बारे में बताया हो और वाकई अब आपकी ज़िंदगी में इतने मैजिक होने लगे, आप उसको ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अनगिनत लोग हैं, कोई इंसान जिसने ऐसा आपको ये कहा होगा कि नहीं ऐसा मत करा कर, इस हमेशा इसको करने से तू डिफ़िकल्टी में आएगी, छोड़ दे, इन चीज़ों को छोड़ना सीखो। तब आपने लेट गो करना सीख लिया, आप हर चीज़ों को पकड़ लेते थे, हर छोटी छोटी चीज़ में आप नेगेटिव हो जाते थे, तो उसने आपको लेट गो करना सिखाया। कोई ऐसा आपका साथी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कई सारे लोग हो सकते हैं। तो आज आपको सोचना है कि बचपन से आज तक कौन से ऐसे टीचर हैं जिनने आपको ग्रैटिट्यूड करना बाकी है, तो वो ग्रैटिट्यूड करिए आप, क्योंकि आप और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में और ऐसे लोग आएँ जो जादू से आपकी ज़िंदगी को भर दें, आपकी ज़िंदगी के डायरेक्शन को हमेशा बदला हुआ रखें, बदलते रहें, कि जब भी आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं कोई ना कोई कुदरत का फरिश्ता आपको मिल जाए, है ना। वो फरिश्ता होता है, कई बार होता है ना, आप बहुत बड़े चैलेंज में हैं कि आपका बच्चा बहुत बड़े चैलेंज में है और उस डॉक्टर ने आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि उस बच्चे की ज़िंदगी बदल गई। तो बच्चे की ज़िंदगी बदली मतलब माँ की ज़िंदगी बदल गई, है ना, या पिता की ज़िंदगी बदल गई। तो उस इंसान को, उस डॉक्टर को आपने थैंक्स तो कहा, उसको आपने पैसे भी दिए, लेकिन शुक्राने की वो जादू की झल, जो जादू की धूल है वो जादू की धूल आपने उन पर नहीं डाली। तो आप वो जादू की धूल उन पर डाल सकते हैं, आप उन पे अपना जादू का असर घुमा सकते हैं, अपनी कृतज्ञता की छड़ी उन पे डाल सकते हैं, अपनी कृतज्ञता से उनसे सरोबार कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को चुनना है उन लोगों को, किसी को भी कुछ भी पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन को रेडी रखिएगा। तब तक हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग आए जो मुझे आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ तक लाने में उन्होंने मेरी मदद की। मैं उन सभी लोगों का शुक्राना करती हूँ, दिल से कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को बदला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों की ओर से उनके जीवन में जिन लोगों ने जादू का असर डाला, जिन्होंने कृतज्ञता सिखाई, जिन लोगों ने उनके जीवन में व्यापक रूप से असर डालते हुए उनके जीवन को बदला, उन पर भी अपनी जादू की धूल डालती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज हम उन सभी लोगों को याद करने जा रहे हैं, वो भूले बिसरे लोग जिन्हें हम कहीं छोड़ आए थे, आज हम सब उन पर अपनी कृतज्ञता का जादू डाल सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ़ यू। हम सभी अपने सपनों को पूरा करें, हमारे सबके अच्छे सपने पूरे हो, जल्दी से जल्दी हम अपने सुमार्ग की ओर बढ़ते हुए सभी सपनों को पूरा करें और दूसरों के ऊपर ये जादू की छड़ी घुमाएं, दूसरों को जादू दें, दूसरों के जीवन में जादू लेकर आएँ, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जी, क्या किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कोई एक्सपीरियंस, किसी को कोई ऐसा इंसान याद आ गया जो आज आप कहना चाहते हैं, तो आप अभी भी बता सकते हैं। जी प्रिया जी,
गुड मॉर्निंग मैम. हेलो. पहले प्रिया जी से बात करते हैं, फिर शिखा आपसे बात करेंगे. ओके मैम, मेरा नाम ना प्रीति है. प्रीति, मैंने ओके. कोशिश की थी अपना नाम, इस पे नाम चेंज करने की, तो भी हुआ नहीं है. मैं देखती हूँ बेट, ये टेक्नोलॉजी वाली चीजें ना, मैं भी थोड़ी वीक हूँ. ये देखिए, आप वहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगी ना, तो ये इस तरह से नाम बदल जाएगा. ओके, नाउ यू आर प्रीति. मैम, मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरे बेटे के एक टीचर थे 8th grade में, जो मैं समझती हूँ कि उन्होंने उसकी लाइफ बदल दी. मतलब उन्होंने सीरियसली लाइक उसको इतनी 1-to-1 सिखाया, और उसका कंप्यूटर साइंस में सारा इंटरेस्ट उनकी वजह से आया. और बहुत ही उन्होंने लाइक जैसे होता है ना, बहुत लाइक होल हार्टेडली उसको उन्होंने वो काम सिखाया. स्कूल के बाद भी वो उनके पास रुकता था, सीखता था. तो जी हाँ, आप उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, कंसिडरिंग कि डायरेक्टली मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे बेटे की, कि वो जो उन्होंने मदद की, एक तरह से उन्होंने मेरी भी बहुत मदद करी उस चीज में. हाँ, लेकिन पहले आपको अपनी लाइफ में ढूंढना है, आप जिस जगह पर हो वहाँ किन लोगों ने फर्क डाला है. हम वहाँ तो पहुँचे ही नहीं ना, पहले हमें पास्ट में जाना है. ये तो आपका प्रेजेंट ही हुआ एक तरह से. मैंने आपको बताया ना शुरू में, हमें पास्ट के लोगों को ढूंढना है. बीइंग अ मदर, हम सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को कंसर्न करते हैं. एक हाउस वाइफ, सॉरी आई मीन, जब हम एक लाइफ में आ जाते हैं, वाइफ बन जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, तो हम अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देने लगते हैं. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें हमारे पति और बच्चे आ जाते हैं. लेकिन हमारी ज़िंदगी उन पति और बच्चों तक पहुँचने के लिए भी, उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए भी तो कई लोग जिम्मेदार हैं. तो आप उनको पीछे छोड़ रहे हो अभी, है ना. तो हमें शुरू वहाँ से करना है. बाद में कभी आप इन पे आइएगा, पहले आप अपने उन लोगों को लीजिए, तभी आपके दिल में से जगह होगी ना. अभी हम क्या करें, खुद की क्लियरेंस कर रहे हैं. तो हमारे क्लियरेंस के लिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ पे खुद को फोकस करें, खुद की बात करें, खुद के ऊपर जाएं. जब हमारी पावर बढ़ जाएगी, जब हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, तब हम दूसरों की बात करेंगे. देखिए, बेटा जो है ना, वो एक कार्मिक रिलेशन है. हम फिर से इस बात को, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये. तो वो जो भी कर रहा है ना, उसका अपना कर्मा है, वो अपने कर्मा पे काम कर रहा है, आप अपने कर्मा पे कर रही हैं. तो अभी आपको क्या करना है, पहले अपने कर्मा को एक्सपिएट करना है, राइट. अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को बढ़ाना है, इतना बढ़ा देना है, आपकी पावर इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि फिर आप जादू की धूल किसी पे भी डालेंगे, वो काम करेगी. तो अगले असाइनमेंट्स में, आप बाद वाले असाइनमेंट में, जब आप इस बुक को पूरा कर लेते हैं, आपके सपनों पे हो जाता है. जब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग फील करें, ये भी अपनी फीलिंग पे ही जाएगा कि आप दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, तब आप अपने बच्चों पे आइएगा. पहली बार में जब आप बुक को कर रहे हैं, तब आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे आइए, खुद को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हर जगह में खुद को लीजिए, हर सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुद को नोटिस कीजिए. आपके सपने क्या हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी हम, अभी हम किसी की बात नहीं कर रहे. तो अगर आपके अपने सपने क्या हैं, आपके आप अपने आप से क्या चाहते हैं, जब हम खुद को बना लेंगे ना, तब हम दूसरों के अंदर बात कर पाएंगे. अगर अभी आप हमारे अंदर ही चीज़ें नहीं बदली हैं, तो हम देखिए दूसरों को नहीं बदल सकते, है ना. इसलिए अभी आप उन्हीं लोगों को लीजिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डाला है. आपको किसने डॉक्टर बनाया, वो भी तो हो सकता है. आपको किसने बताया कि आपको यहाँ जाना है. उसमें हस्बैंड वाइफ को एज अ यूनिट मान सकते हैं, एक लाइक अगर एक फैमिली के हस्बैंड वाइफ, मतलब उनको एक हस्बैंड वाइफ तो एक ही फैमिली के होते हैं. आप क्या कहना चाहती हैं, आप हस्बैंड को लेना चाहती हैं ग्रैटिट्यूड में, ऐसा. नहीं नहीं जैसे मेरे को लगता है कि दोनों फैमिली में दोनों हस्बैंड वाइफ ने आपकी हेल्प करी है, तो उनको अलग अलग ग्रैटिट्यूड. अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग. वो दो इंसान है, नहीं वो यूनिट नहीं है, वो दो इंसान है आपके लिए. तो वो एक इंसान हुआ, फिर दूसरा इंसान हुआ, फिर तीसरा कोई और ले सकते हैं. ओके ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू जी. किसी और को कोई कुछ पूछना है. हाँ शिखा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए. जी मैम, एक्चुअली ना क्या कहते हैं, मुझे कुछ पूछना नहीं, कुछ आपसे मतलब ऐसे पूछना है. मुझे लाइफ का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि भाई हाँ, थोड़ा आपसे सजेशन. एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो इसमें ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है, मैजिक बुक जो कर रही है. तो कल पर थोड़े दिन पहले ही, तो उसने थोड़ी सी ना हाथ वाथ दिखाते हैं जैसे ज्योतिष व्योतिष से, तो उसने अपना हाथ दिखाया, ठीक है. तो वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, उसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी दिखाने की. तो उन्होंने जो ज्योतिष थे उन्होंने ये बोला उनको कि
है ना, तुम मतलब वो ये मेकअप लाइन में, मेकअप आर्टिस्ट, तो वो कोर्स कर रही है और अभी मोस्टली कंप्लीट भी होने वाला है। तो वो ये बोली क्या, क्या वो ये बोले कि है ना, तुम्हें किसने बोला कि इस लाइन में तुम जाओ, तुम्हारा इस लाइन में फ्यूचर ही नहीं है और तुम तो आगे बहुत ज्यादा बीमार रहने वाली हो, ये है वो है, मतलब बहुत ज्यादा उसको इतना डिमोटिवेट और इस तरीके से कर दिया ना कि वो बहुत ज्यादा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तो उसके लिए कैसे क्या सोच सकते हैं, क्या ये सच होता है ये सब चीजें? हाँ बिल्कुल, हम किसी और के बारे में ऐसा नहीं कह सकते वो सच होता है या नहीं होता। देखिए एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है, तो एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उस साइंस को कौन बता रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर कितने पढ़े हुए हैं वो बहुत निर्भर करता है। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं तो ये आपकी इच्छा है ना कि वो एस्ट्रोलॉजी को मानती है। अगर वो इस साइंस को समझती हैं तो वो इसे माने, पहली बात। दूसरी बात, जिससे वो पूछ रही हैं वो एस्ट्रोलॉजी को कितना पढ़े हुए हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं क्या, वो सही बात सही तथ्य के साथ कह रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं ना, हम में से कोई कुछ नहीं कहता, जितने भी लोग हैं वो मैजिक बुक में सिर्फ और सिर्फ रोंडा बायन को लेते हैं, हम उस बुक के एक एक शब्द को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये कैसे होता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता कि ग्रैटिट्यूड कैसे किया जाता है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोई राय आपको नहीं दूंगी क्योंकि मैं इस फील्ड की जीरो हूँ, मैंने इस चीज़ की कोई पढ़ाई नहीं की है। बुक को पढ़ पढ़ के सिर्फ पढ़ाई कर लेना नहीं होता, मैंने अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे इसे उतारने की कोशिश की और मैं अभी तक प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तो है ना, मैं आपको कोई भी राय नहीं दूंगी कभी भी। मैं क्या कहूँगी, जो भी कहा होगा वो रोंडा बायन जो बोल रही हैं मैं उसको ही फॉलो करूंगी। तो जो आपका एस्ट्रोलॉजर है, जिन्होंने आपको बताया, वो किस हद तक एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, पढ़े हुए हैं, सही तथ्य को बताते हैं या नहीं, ये उनका लुकआउट है ना। वो कैसे, वो मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने आपको क्या बताया, वो सच होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपको किस हद तक उसमें जाना है। देखिए पहला तो शिक्षा जी ये है, शिखा जी, कि आपका लुकआउट ही नहीं है ना। हमें दूसरों के नेगेटिविटी को लेने से बचना चाहिए, जहाँ जहाँ ऐसा हो ना कि हम नहीं कर सकते कुछ, वहाँ अपने आप को चुप रख लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दूसरों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर मत आने दीजिए। हमें, हम ठीक है, हम इंसान हैं तो हमें दूसरों का ख्याल आता है। आप वहाँ मैजिक डस्ट यूज़ कर सकते हैं, मैजिक डस्ट से के साथ आप कीजिए कि उसको सही निर्णय मिले, उसको सही जजमेंट मिले। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस कि आप उनकी ज़िंदगी में जाके डिसाइड करें कि उसे ये लाइन को लेना है या नहीं लेना। अब ये तो आपकी दोस्त ही समझ सकती है ना कि ये लाइन उसके लिए कितनी अच्छी है या नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भी उनको क्या बताएंगे, है ना। तो ये वो खुद तय करें कि वो अगर इसमें चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट है, उनको लगता है कि वो ये कर सकती हैं, तो बस वो इसमें जादू को बिखेरें। वो ये दूसरी ना, बात, अगर वो सेशन ये मैजिक बुक ले रही है लेकिन थोड़ी शाय है, तो वो थोड़ा कम बोलती है और मतलब आती नहीं है जल्दी से, तो उसने पूछा कि आप मैम से पूछना, तो मैंने आपसे नहीं, पूछा। ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन हम, मैंने क्या कहा कि खुद के लिए खुद ही को करना है, खुद की जी गंदगी को निकालना है। अगर शाय है तो आप शायनेस को और बढ़ा रहे हैं। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, सबसे पहला रूल ही यही। आप रिटर्न में लिख सकते हैं, वो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा मुझे कि आप पूछ रहे हैं, लेकिन फर्क जी ये पड़ रहा है कि आप उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले रहे हैं। हम में से किसी ओके को भी ऐसे करने से बचना है ना। हमें ओके दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना है क्योंकि अगर आप उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो डेफिनेटली वो मैटर आप तक भी आता है। लेकिन उस मैटर को या तो आप जादू की डस्ट डालें, मैजिक डस्ट डालते रहें, यही आपका काम है क्योंकि जादू, और या फिर उन्हें इस तरह से आप, फिर वो यही होगा कि आप समझा रहे हैं, आप अपनी राय दे रहे हैं, आप अपना। और मैं नहीं मानती कि हमें अपनी राय देने का हक है क्योंकि अभी तो हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। और मैम एक बात हो, क्या जो जैसे कि हम जो डेली ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ठीक है, आपने बताया था नोट्स में 10-10, मेरे 10 से ज्यादा ही हो जाते हैं, और मॉर्निंग इवनिंग तो वो भी ज्यादा ही हो जाता है। तो आप ये बोलते हैं ना कि डेली डेली पढ़ो, डेली डेली रीड करो उन सबको, तो क्या पूरा ही हमें डेली डेली पढ़ना है या फिर वो 10 लाइन्स जो हम मॉर्निंग और इवनिंग में लिखते? देखिए पहली तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप मोर देन 10 लिख पा रहे हैं, है ना। आप शाम में भी लिख रहे हैं, सुबह में भी, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इतना लिख पा रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा फीलिंग को ला पाएंगे। सारा ही ओके पढ़ना है क्योंकि लिखा तो आप ही ने है, ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में है, वो ब्लैसिंग आपके हैं ना, 10 से ज़्यादा ब्लैसिंग भी आपके हैं, तो आप कौन से 10 को लोगे और कौन से 2 को छोड़ोगे, सारे ही ब्लैसिंग ही हैं, तो सभी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए सभी को रीड करना ज़रूरी है। अच्छा होगा अगर आप ओके सभी को रीड करें। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू शिखा जी। और किसी को कुछ पूछना है या कोई शेयरिंग करनी है, कुछ बताना है? गुड मॉर्निंग शिखा जी, सारिका जी, अभी क्या बोलूं, और दिन भर में तो खाली मैजिक मैजिक एंड मैजिक ही होता रहता है। आई जस्ट ड्रिंक द मैजिकल डस्ट एंड सी द डिफरेंस। लाइक वाह, वेरी
वेरी नाइस। मेरी कल बहन है, आप लोग, मैंने बोला ना वी आर फोर सिस्टर्स एंड हम लोग चारों सवेरे एक आधा घंटा एक घंटा डिपेंडिंग ऑन एवरीवनस टाइम लाइक अवेलेबिलिटी वी आर ऑन ग्रुप कॉल एवरी डे मॉर्निंग हो इवनिंग हो दैट इज अ कंपलसरी सॉर्ट ऑफ थिंग। सो उसमें मेरी एक सिस्टर मेरी बात वाली ज्वाइन भी करती है रोज, मैं उसको इंसिस्ट कर करके ज्वाइन करवा रही हूँ। उसके कान तो इतना खुश हुई वो कि कल कही कि दीदी कान में ऐसा दर्द होता था कि जा नहीं पाता था। फिर आपने बोला ना वो भी ऐसे ही बहुत नहीं है शाही नहीं बोलेंगे वो बोलेगी नहीं कुछ भी बचपन से उसका नहीं बोलना है मुझे नहीं बोलना तो नहीं बोलना है। लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मुझे बोली और थैंक यू बोली इतना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि दीदी मैजिकल डस्ट और मैंने एक सोनिया जी भेजी थी एवरी डे मॉर्निंग गेट अप एंड से थैंक यू टू सोनिया मारवा वो एक मैजिकल डस्ट उड़ाता वो बच्ची का एक ये डाली थी उसको मैंने भेजा अपने ग्रुप में सिस्टर्स ग्रुप में। एंड उस वक्त बोलती है दीदी कितना अच्छा लगा जैसे बोलते हैं ना कि बंदर का जो चेस्ट होता है हम लोग बोलते हैं ना पोती बोलते हैं बंदर को कि बंदर का चेस्ट होता है जो कुछ भी उटपटांग करता रहता है। बोली कि हम लोग वी ऑल आर रिलेटिव्स बोली कि मैं क्रोशिया भी डाल के देखी कान में लेकिन दीदी एकदम दर्द नहीं है ऐसा एकदम मैजिकल डस्ट मैंने भर दिया कान में तो बिल्कुल फील नहीं। और उसका जो हेडेक हो रहा था कि गॉड जब होता था उसका हेडेक मेरे पास मैसेज आता था मैंने कहा तो मैसेज करता मैं करूंगी तो शी वॉज लाइक अमेजिंग अमेजिंग। कल मॉर्निंग घर में आए हम भुवनेश्वर आए हम और बस पावर पता नहीं कैसे उड़ गया शाम तक पावर नहीं। फिर मैंने कहा कि अरे इतना मैं उसमें ट्रिप हो गया एमसीबी उसमें डाल चढ़ा रही तो चढ़ ही नहीं रहा है फिर बार बार ट्रिप हो रहा है। फिर मैं शाम को थक हार के मैं मैजिकल डस्ट डाली और इलेक्ट्रिशियन को फोन करी। इलेक्ट्रिशियन तो उस वक्त बोल रहा था आएंगे आएंगे आया बोले कहाँ मैम आपको तो सब काम कर रहा है वो डाला चढ़ गया एमसीबी और सब काम करने लगा। मैंने कहा अरे व्हाट इज दिस मैंने तो बोल करते रह गए प्राइस हुआ कुछ नहीं। फिर बोला कुछ नहीं आपके घर में फॉल्ट है वो थोड़ा एक्वागार्ड का वो ट्रिप कर गया वो जल गया इससे ऐसा हुआ। लेकिन लेके आना पड़ेगा बार बार पानी अपने घर का होता तो नल खोला पी लिया टाइप एंड ही अगेन सडनली ही सेड कि मैम मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ गॉड ही केम अराउंड 7:30 ही डिड द वर्क उसका पार्ट का ही 1000 रुपीज। मैंने कहा कि भैया चार्जेस क्या हुआ इसके तो बोलता है कि कुछ भी दे दीजिए मैडम पेट्रोल का भाड़ा दे दीजिए पेट्रोल का खर्चा दे दीजिए क्या लेंगे आपसे। मैंने कहा नहीं भैया कुछ तो बता दो तो फिर 200 रुपए मात्र लिया मात्र 200 रुपए ले क्योंकि वो क्या बात छोले का ही द चार्ज इज 350 रुपीज जस्ट टच इट। सुपर अंशु जी आप अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी जादू डालने लगी अब तो देखिए ये होता है ग्रेटिट्यूड का पावर। दीदी हमारा तो प्रमोशन हुआ ही है हो ना हो तुम्हारा प्रमोशन बाबा जी का कर देते हैं क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है हम तुम्हारे पास चले आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है सच में अंशु जी बहुत बड़ी बात है कि अब आप जादू दूसरों की जिंदगी पे भी डालने लगे। देखिए ये होता है प्रैक्टिस का असर होने लगता है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं तो पहले लाइफ आपके ऊपर असर डालती है फिर आप दूसरों पे भी जादू कर सकते हैं। exactly. और इस तरह से जो जो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं लाइक जो भी निर्जीव चीज़ें हैं आप नॉन लिविंग थिंग्स पर भी बहुत ही अच्छे से जादू के असर और उन पर बहुत जल्दी असर दिखता है। आप कभी करके देखिएगा दिल से उनको ग्रैटिट्यूड दीजिएगा जो आपके पास्ट में उन्होंने हेल्प की उन सबको याद कीजिएगा। मेरे साथ मेरे मोबाइल के साथ मेरे नॉइस शॉर्ट्स के साथ ऐसी ऐसी मेरी स्मार्ट वॉच के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब मज़ा ही अलग ले आती है कि सच में ये चीज़ जो चीज़ मार्केट में कहीं ठीक नहीं हो सकती है चीज़ लौट के आ गई वो ई कचरा एक तरह से मेरे लिए बट वो काम कर रहा है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे जादू होंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए मैंने कहा था कि जो लोग शेयरिंग करते हैं उनकी शेयरिंग्स आती हैं तब देखिए अब आप लोगों के सामने प्रूफ है अंशु जी कई बार शेयरिंग करते हैं तो और शेयरिंग आती है हमारी लाइफ में क्योंकि हम लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स में। और देखिए जादू सबकी ज़िंदगी में हो रहा है जैसे अभिषेखा ने बोला ना बोलते नहीं है वो तो अगर आप कहेंगे आप बोलेंगे तो आपकी लाइफ में और आएगा। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जादू तो हो रहा है या तो आप ढूंढ नहीं पा रहे पहली बात और या फिर आप कहना नहीं चाहते। और यहाँ मैं ये कहूँगी कि आप कहिए क्योंकि सब लोग जादू की फील्ड से जुड़े हैं तो जो नज़र लगने वाला डर होता है ना वो आपको यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ बाकी सब लोग भी आपके सपनों पर जादू की धूल डालेंगे।
यहाँ हर कोई यही कहेगा कि आपके सारे सपने पूरे हो, आपको और सारे खूब सारे अच्छे सपने मिले, आपकी और ख्वाहिशें पूरी हो, आपका आपका ज़िंदगी में और खूब सारा जादू आए, हर कोई आपको यही कहेगा। तो जब यहाँ ऐसी एनर्जी है ना, इसलिए इस एक घंटे में तो जितना हो सकता है उतना अपने आपको पॉजिटिव कर लीजिए। और एवरी डे मैं अपनी, मैं तो रहती हूँ दूसरी जगह पे, और क्योंकि यहाँ में मेरा इतना बसा बसाया घर और पूरा गार्डन एंड एवरीथिंग फोलिएज भरा पड़ा है, क्योंकि सीजन लगता है फ्लावर सीजन है, फोलिएज भर के रखा है। एंड एवरी डे आई यूज्ड टू पुट द मैजिकल डस्ट इन इट, और अभी आने का दिन खुशी हो रही है उन पौधों को देख करके, भरा हरा एकदम हरा भरा गार्डन मेरा इतना ब्यूटीफुल। मैं क्या बोलूं, मैं पिक्चर शेयर करूंगी, मैं फोटोज लेकर डालूंगी, क्योंकि नेट इतना कनेक्टिविटी नहीं है, क्या शेयर द पिक्चर, जरूर जरूर। ब्यूटीफुल मॉन्स्टेरा के लिए मैं मर गई थी, वहां मॉन्स्टेरा लेना है लेना है लेना है, कोई बोल रहा 5000, कोई बोल रहा 6000, आई नो आई कैन सी 3 to 4 मॉन्स्टेराज इन माय गमलास, भर के एकदम मस्त हुआ है। एंड दैट ब्रोकन हार्ट इज आल्सो वेरी कॉस्टली, जैसे बोले वो भी एकदम, मैं क्या ही बोलूं, मेरे आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू अंशु जी, और आपकी जिंदगी में इसी तरह से खुशियां आती रहे, और आप ऐसे ही हंसते हुए, हमेशा इसी तरह से हंसते हुए रहे, आपके सारे सपने पूरे हो, और आप सभी लोगों के भी खूब सारे सपने पूरे हो, आप सब लोगों की जिंदगी में खूब सारा जादू आए, यही मेरी पूरे ब्रह्मांड से प्रार्थना है जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या हम सेशन एंड करें? थैंक यू। मैं कहना चाहती हूं जी, जी वंदना, ये आज के सेशन से ना मुझे अपने मतलब कुछ टीचर्स, और मैं टीचिंग लाइन में थी तो साथ में कलीग्स, वो याद आ गए जिनका मैंने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क डाला। तो मतलब टीचर्स ऐसे याद आए जो आज एक्सप्लेनिंग पावर है जो मैं कर पाती हूँ, वो उन टीचर्स की वजह से है। मतलब इतना अब मुझे जैसे जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, एक्सप्लेन किया, वो सब चीजें याद आती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और एक मेरे को अपनी हेल्थ की शेयरिंग करनी है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बट अभी लेटेस्ट है तो मैं करना चाहती हूँ। तो क्या था, अभी करीब एक वीक पहले की बात है, या दिस लास्ट सैटरडे, मेरे को ना घुटने में ब्रेक डाउन था, तो मेरे को मूवमेंट में भी मुझे फील हो रहा था, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो संडे को भी ज्यादा था। फिर मैंने क्या करा, संडे को मैं उठी नहीं, बिल्कुल लेटी रही, और लेटे लेटे बैठ के भी मैंने लिख के भी किया ग्रेटिट्यूड, और लेट कर मैंने पूरा ना अपना बचपन से लेकर अब तक वो मनी मन ना पूरा विजुलाइज किया लाइफ को, कि जब मैं हुई होंगी छोटी सी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने ऐसे मेरे पैर पकड़कर उठाए होंगे, तो मेरे घुटने कितने स्ट्रांग थे, जैसे मैं मूवी में देखती हूँ, देखो हमें अपनी तो याद नहीं है, है ना, और मैं भी घुटने के बल चली होंगी, तो मेरे घुटने इसका मतलब बहुत स्ट्रांग थे। तो मैंने वो हर सिचुएशन को याद किया और उसको थैंक यू बोलती गई। फिर मैंने कभी चलना शुरू किया होगा तो कितने स्ट्रॉन्ग घुटने थे, थैंक यू गॉड, ऐसे करके मैंने लास्ट अपनी पूरी लाइफ के वो करे, याद करे और थैंक यू बोलती गई। और मैंने अपने डेली के ग्रेटिट्यूड में भी उसको जर्नल में लिखना शुरू किया। बॉडी का तो मैं लिखती थी, लेकिन पर्टिकुलर घुटने का मैंने स्पेशली लिखा। तो क्या हुआ, बहुत ही मैजिकल, कि एकदम गायब हो गया। क्या बिल्कुल गायब हो गया, परफेक्टली मैं मूवमेंट कर रही हूँ, बड़े आराम, मतलब ये तक हो रहा था कि मैं आज ऑफिस से ना छुट्टी ले लेती हूँ, चलने में फिर दिक्कत लग रही है तो आज नहीं जाती हूँ, लेकिन जी बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ भी नहीं, अब मैं बिल्कुल परफेक्टली मूवमेंट कर पा रही हूँ। तो दिस वॉज द अमेजिंग रिजल्ट। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग है आपकी, ग्रैटिट्यूड टू यू, बहुत बहुत ही अच्छा आपने ये सबको बताया, ये तो अमेजिंग चीज है, और ये हम सबको सीखने भी मिली। मैं सबसे कहूंगी कि जहां भी ब्रेकडाउन है वहां आप बिल्कुल स्टार्टिंग की सिचुएशन पे जाइए और उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो जो आपको याद आ रहा है सब सारा पास्ट, और एकदम मैजिकल रिजल्ट आता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही तरीका आपने बताया। और जो तरीका आपने बताया, देखिए आप सब लोग, चैलेंज तो सबके साथ होता है, मिलता जुलता आप लोगों को भी होगा, लेकिन जो उन्होंने किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने बचपन से लेकर के सारे चीज़ों का अब तक की सब उस चीज़ को लेकर उस चीज़ का शुक्राना किया, तो वो ग्रैटिट्यूड करने का जो तरीका है ना वही काम आया है। तो वो तरीका आप लोग ज़रूर आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंदना जी, आपने हमें इतना इंस्पायर किया और ये तरीका बताया इसके लिए, थैंक यू। और बहुत बहुत प्रार्थना है ब्रह्मांड से कि आपकी ज़िंदगी में खूब सारा जादू आए, आपको पूर्णतया स्वस्थता हर तरह से मिले, हमेशा आप इसी तरह से खुश होकर हमें और तरीके बताते रहें, इंस्पायर करती रहें। थैंक यू, थैंक यू भाभी जी। मेरे को भी पैरों में दर्द है, मैं भी वही करूंगी। हाँ करना प्रीति, ऐसे ही करना। मैंने ना बचपन से लेकर अब तक, मैं बचपन में खेली हूँ, गलियों में खेली हूँ, जो हमारे पुराने घर थे वहां सब, मैं छतों पे भी चढ़ती थी, पहले सीढ़ियां भी चढ़ती थी, वो जो लकड़ी की सीढ़ी होती थी उस पे भी चढ़ते थे हम लोग, और हमारे वहाँ यूपी में बंदर बहुत आते थे, उनको मैं भगाती भी थी, तो वो डंडा लेके, तो वो सारा सीन ना मैंने कि हाय मैं कितनी फिट हूँ, मतलब कितनी फिट हूँ, वो याद कर करके उसको थैंक यू बोलती गई, और मैं कैसे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गई हूँ अब, थैंक्स मदर, थैंक यू गॉड, बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है, बहुत अमेजिंग। थैंक यू वंदना जी। शिखा जी आपने क्या पूछा है, मैम क्या हम मन में ग्रैटिट्यूड कर सकते, नोटबुक ना हो तो ओके। हाँ जी हाँ जी मैं समझ गई, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप उस वक्त मन में कर सकते हैं, आप कभी और भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, और आप जितना चाहें बोल के भी कर सकते हैं। लिखने तो हम इसीलिए हैं क्योंकि लिखने से हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो एक वो फोकस्ड ग्रैटिट्यूड होता है, फिर हम उसे जब पढ़ते हैं तो हमें फीलिंग भी आ जाती है। तो जिन जिन शुरुआत में हम लोग इसी की प्रैक्टिस करते हैं कि हम खूब सारा लिखें और उसे री रीड करें, इसलिए हर दिन के असाइनमेंट में यही लिखा गया है कि पहले नियामतें लिखें और फिर उसे ज़ोर से पढ़ें, क्योंकि देखिए लिखने से क्या होता है कि आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड लिख पाते हैं, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड जो हमने कल बात की थी वो हम करने लगते हैं, तो वो फोकस्ड ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है। उसके बाद री रीड करना है, ज़ोर से पढ़ना है, तो ज़ोर से पढ़ने से आपका दिल और दिमाग एक जगह हो जाता है ना, जब आप पढ़ रहे हो तो कैसे ना आप उस बुक के ऊपर ध्यान देते हो, ऐसे ऐसे एक एक लाइन को घुमाते हो, आगे पढ़ते हो, फिर कोई शब्द का करेक्शन आप वो भी करते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपका दिमाग एग्जैक्टली उसी जगह है, और क्योंकि वो दिल की बातें हैं सारी जो आपने लिखी है, तो आपका दिल भी उसी जगह है, तो जब दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं तो वो फीलिंग्स जो स्ट्रांग फीलिंग पैदा होती है ना, वो फीलिंग बहुत सही होती है, उस चीज़ की ही फीलिंग होगी उस वक्त, आपके अंदर कोई और फीलिंग नहीं आएगी, तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स का उस वक्त एक्सप्रेशन होगा, तो वो पॉजिटिव फीलिंग आपको लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स में मदद करती है। ये लिखने का कंसेप्ट है, आप चाहें तो बोल के कर सकते हैं, तेज़ बोल के कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है, आप जैसा भी चाहे कर सकते हैं। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। सो अब हम सेशन एंड करें। हाँ जी मैम। मैम मेरे को बस एक शेयरिंग याद आ गई कि अभी हमारे यहाँ 2 हफ्ते पहले बहुत बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, ऑलमोस्ट 98 miles per hour की विंड्स थी। कहाँ पर? तो जहाँ मैं रहती हूँ यूएस में, इंडियाना में, वहाँ पे मेरी सिटी में, मतलब बिल्कुल सिटी के बीच में आया था, लाइक बहुत तेज स्टॉर्म था, बहुत तेज बारिश, और मतलब मैं, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था ऐसे स्टॉर्म का। तो जैसे मेरे नेबर्स के पेड़ वेड़ गिर गए, उनका ग्रिल टूट गया बाहर, मतलब छोटा मोटा डैमेज हुआ, कुछ जहाँ पे बहुत कुछ लोगों का थोड़ा ज्यादा डैमेज भी हुआ, बट थैंकफुली मेरा कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। लाइक मेरे को आई वॉज सो हैप्पी कि एक चीज भी, लाइक इतनी सी भी जैसे होता है ना, स्क्रैच भी नहीं आया कोई डैमेज का। तो मेरे को बाद में पता नहीं एकदम से ही 2 दिन बाद मेरे को दिमाग में आया कि हो सकता है मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, शायद इसीलिए मेरे घर में कोई भी डैमेज नहीं हुआ स्टॉर्म से। तो yes, बिल्कुल मेरे को लाइक रिमाइंडर्सी होता है, थैंक यू बोला। आपको पता है हम रोज उसी प्रकृति का धन्यवाद देते हैं ना, प्रकृति का, हरियाली और पेड़ पौधों का, ये शब्द हम अक्सर यूज करते हैं। तो हो सकता है आप, हो सकता है वाली जो आप बात कह रहे हैं ना, वो हो सकता है नहीं है, आपको उसको डिटर्मिनेशन में लेके आना है कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ, मुझे ऐसा ही करते रहना है। इस तरह से आप जितनी बार नेचर को ग्रैटिट्यूड देंगे, नेचर विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू एवरी टाइम। नहीं मेरे को भी पूरा विश्वास है कि वो ग्रैटिट्यूड की पावर ही थी जो
कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। राइट बिल्कुल। तो आप जितना नेचर को, प्रकृति ना हमें बहुत बहुत सारी चीज़ें उसने हमें दी है, तो हमें उसी एस्पेक्ट पे जाना है, उसने हमें क्यों ऐसा दिया, कैसे दिया, क्या होता है उससे हमारी लाइफ में। बिकॉज नेचर की ग्रैटिट्यूड, नेचर के गिफ्ट्स को जब आप देखेंगे ना, तो वो सबसे बड़े गिफ्ट्स हैं हमारे लिए। तो उन पे आप ध्यान दीजिएगा, उनको आप करते रहिएगा, ये चीज़ें बहुत बहुत आपको हेल्प करेंगी आगे भी। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो अब हम आज के अपने विश से शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन बहुत अच्छा हो, खूब खुशियों भरा हो, खूब खूब नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो। लेट्स मीट टुमारो, कल फिर से मिलेंगे। हाँ, कल के लिए बता देती हूँ, कल day 13 है। अगर किसी ने अपने सपने अभी भी नहीं लिखे हैं या उनमें कुछ भी करना बाकी है, तो कल हम सपनों को लिखना पढ़ेंगे, सपनों के बारे में बातें करेंगे। कल से हम नई जगह पर आ जाएंगे, इसलिए आज अपने सपनों को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, आप क्या चाहते हैं खुद से। सो कल से हम फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।